सो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, आरपीएफ की तरफ से वैकेंसीज है, रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से वैकेंसीज रखी गई है, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल एंड इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों पर यह वैकेंसीज है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा एंड यहां पर आप जो है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इसी के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यहां पर आपको न्यू जेन रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको जो है यहां पर रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके रिजल्ट्स बाय जो है आरपीएफ पर क्लिक करके आपको जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहां पर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट फोर्स की तरफ से वैकेंसीज रखी गई हैं एंड जो वैकेंसीज हैं ये यहां पर आप चेक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सम इंस्पेक्टर एंड आरपीएफ की जो वैकेंसीज है ये मार्च 2022 में जो है रिलीज की जानी है। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं, indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जिस पर जाकर के आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है, वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर इंस्पेक्टर पद के लिए, तो 9,300 से 34,800 रुपए आपको जो है यहां पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, पेमेंट आपको दिया जाएगा और ग्रेड पे आपका यहां पर 4,600 रुपए बनने वाला है। इसी के साथ में 9,300 से 34,800 रुपए आपका सब इंस्पेक्टर पद के लिए बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको 4,200 रुपए ग्रेड पे मिलने वाला है। यहां पर अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, जो टोटल वैकेंसीज है उसकी अपडेट के बारे में, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज रखी गई हैं जनरल कैटेगरी की, वो यहां पर 3,748 वैकेंसीज हैं, ओबीसी मेल के लिए 2,867 एंड एससी मेल के लिए 1,604 पदों पर वैकेंसीज हैं। एसटी मेल के लिए 1,278 पद रखे गए हैं एंड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1,006 पद है, टोटल 10,503 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर जनरल फीमेल्स के लिए मैं बात कर लूं, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं 1,437 पद हैं जनरल फीमेल के और ओबीसी फीमेल के 1,074 पद है, एससी फीमेल के लिए 846, एसटी फीमेल के लिए 649 पद है एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 572 पद है, 4,578 फीमेल्स के पद रखे गए हैं कॉन्स्टेबल पद के लिए और यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए 208 वैकेंसीज अलग से रखी गई हैं, टोटल 15,289 पद रखे जाएंगे जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करता हूं दोस्तों इंस्पेक्टर पद के लिए, तो यहां पर आपको जनरल मेल के लिए 200 वैकेंसीज हैं, ओबीसी मेल के लिए 140, एससी मेल के लिए 50 एंड एसटी मेल के लिए 70 और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 40 वैकेंसीज हैं, टोटल 500 वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं। वहीं दोस्तों जनरल फीमेल्स के लिए 20 वैकेंसीज हैं, ओबीसी फीमेल्स के लिए 16 वैकेंसीज हैं, एससी फीमेल्स के लिए 8 पद रखे गए, एसटी फीमेल के लिए 10 पद है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 13 है, टोटल 67 वैकेंसीज रखी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसीज हैं, टोटल 589 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी के साथ में सब इंस्पेक्टर पद के लिए भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, जनरल मेल के लिए 628 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी मेल के लिए 478 पद हैं, एससी मेल के लिए 198 एंड एसटी मेल के लिए 247 पद रखे गए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 196 वैकेंसीज हैं, टोटल 1747 पद रखे गए हैं एंड इसी के साथ में जनरल फीमेल के लिए 206 वैकेंसीज हैं, ओबीसी फीमेल के लिए 107 और एससी फीमेल के लिए 95 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी फीमेल की 128 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 104 पद रखे गए हैं, टोटल 640 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 35 वैकेंसीज हैं, 2400
22 यहाँ पर टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पद के लिए रखी गई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर और अदर अपडेट के बारे में, तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं उसमें आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है या फिर जो कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, कौन कैंडिडेट यहाँ पर एनएलिजिबल रहेगा, उसकी भी अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों आपके पास में जो है आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जो है सब इंस्पेक्टर पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 32 साल रखी गई है और 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज को काउंट किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर पद के लिए 30 साल एंड कॉन्स्टेबल पद के लिए 35 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है और 1 जनवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी एंड ओबीसी कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास वाले कैंडिडेट को 3 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। सो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट आपका कैसा होगा, मतलब कि आपका फिजिकल किस तरीके का रहेगा। सो जनरल ओबीसी के लिए हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है एंड फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है और जो चेस्ट रहेगा ये ओनली मेल्स के लिए रहेगा, तो 80-85 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट आपका मेल्स कैंडिडेट के लिए 76.2 से 81.2 होना जरूरी है। हिमालयन कैंडिडेट से आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो आपका यहां पर हाइट और चेस्ट यहां पर रखा गया है। नेचर ऑफ टेस्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके आपके बाद में आपका जो है रिटन एग्जाम होगा जो कि 180 नंबर का रहने वाला है एंड सिलेबस के लिए आपको जो है इसकी नेक्स्ट पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। इसके बाद में आपकी जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद है उनके लिए आपका यहां पर जो है 20 नंबर का वीवो वॉइस टेस्ट भी होने वाला है, मतलब कि आपका एक तरीके से इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा एंड ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहां पर अगर आपके पास में गेम का सर्टिफिकेट है या फिर आपका आपके पास में कोई है कोई भी एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर जो है कुछ एक्स्ट्रा मार्क ले सकते हैं। सो अगर आपके पास में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको एक नंबर मिलेगा, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ में अगर आपके पास में यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर यहां पर मिलने वाला है, इंटर स्टेट्स स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलने वाला है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट का सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पर 3 नंबर मिलने वाला है अगर आप मेडल विनर है तो। वही दोस्तों यहां पर आप जो है अपने स्पोर्ट्स का जो है यहां पर नंबर देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर यहां पर मिलने वाले हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो है C1 टाइप का होना जरूरी है, आपका C1 टाइप का मेडिकल फिटनेस होना चाहिए तो आप यहां पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। अच्छी खासी मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी एंड उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये सारे स्टेज आपके रहेंगे जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इसी के साथ में फ्रेंड्स अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के आधार पर एक नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से जमा कर सकते हैं वो भी घर बैठ करके। सो उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स करने होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।